तो वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग सी खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो भाई यू दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पे फाइन लग चुका है। अब ये फाइन क्यों लगा चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच चल रहा था जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को लास्ट ओवर में 36 रन बनाने थे और एक ओवर में 36 रन बनाना तो आपको पता ही है कि लोहे चबाने से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी क्रीज पर थे रोहमन पोवेल जिन्होंने 3 गेंद में 3 छक्के मारे। जब उन्होंने बॉल पे छक्का मारा तो वो क्लियरली नो बॉल था लेकिन अंपायर ने उसे नो बॉल नहीं दिया, जिस पर पवेलियन में बैठे ऋषभ पंत और उनके सदस्यों कुछ खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ऋषभ पंत तो यहाँ तक अपने 2 बैटरों को बुलाने लगे जो क्रीज पे थे, बोले आ जाओ भाई नहीं खेलना है हमें। ऋषभ पंत ने साफ साफ उनको इशारा दिया कि भाई आ जाओ नहीं खेलना है, नो बॉल की मांग की और डगआउट के बाहर ही खड़े खड़े अंपायर्स पे चिल्लाने लगे। और उन्होंने परवीन आमरे दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ को भी ग्राउंड में अंपायर से बात करने के लिए भेजा। फिर ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स के कुछ लोगों ने समझाया, शेन वाटसन आए उनको समझाया, फिर वो जाके माने और ऋषभ पंत बैठे। दोस्तों वो क्लियरली नो बॉल नजर आ रहा था, इससे वहां के फैंस को भी गुस्सा आ गया, वो भी चीटर चीटर का नारा लगाने लगे। और इस मैच के बाद ऋषभ पंत की ये हरकत बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट को अच्छी नहीं लगी और बीसीसीआई को भी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए ऋषभ पंत पे 1 मैच की फीस का बैन लगा है, यानी कि उन पे 1 मैच का 100% फीस का फाइन लगा है। शार्दुल ठाकुर पे 50% का फाइन लगा है, यानी कि 1 मैच का 50% फीस। और परवीन आमरे जिनको ऋषभ पंत ने भेजा था अंपायर से बात करने के लिए, उन पे फाइन तो लगा ही है और उनको 1 मैच के लिए बैन भी कर दिया गया है। आमरे भैया भी कह रहे होंगे कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाड़ा आना। तो कुल मिला के बात करूं तो वो बॉल तो नो बॉल थी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ऋषभ पंत को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि यार गली क्रिकेट जैसे ऋषभ पंत करने लगे, भाई नहीं हमको तो खेलना ही नहीं, आ जाओ अपने बल्लेबाजों को बुलाने लगे। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए अपने अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो भाइयों अमित मिश्रा और इरफान पठान के बीच जवानी जंग ट्विटर पे शुरू हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या है पूरी बात। दरअसल 22 अप्रैल को इरफान पठान ने एक ट्वीट किया जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। इस ट्वीट में इरफान पठान ने लिखा, माई कंट्री, माई ब्यूटीफुल कंट्री हैज द पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन अर्थ, बट के बाद उन्होंने डॉट डॉट दे दिया है, कुछ लिखा नहीं है। यानी उनका कहना है कि मेरा देश, मेरा सुंदर देश के पास ऐसा पोटेंशियल है कि वो पृथ्वी का सबसे बेस्ट सबसे ग्रेट देश बन सकता है, लेकिन इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। इसी के रिप्लाई में अमित मिश्रा ने एक ट्वीट किया। अपनी ट्वीट में अमित मिश्रा ने लिखा है, माई कंट्री, माई ब्यूटीफुल कंट्री हैज द पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। यहां तक तो उन्होंने इरफान पठान की बात दोहराई है। उसके बाद उन्होंने लिखा है, ओनली इफ सम पीपल रियलाइज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट बुक टू बी फॉलोड। यानी अमित मिश्रा का यह कहना है कि हमारी कंट्री ग्रेटेस्ट बन सकती है लेकिन तभी जबकि कुछ लोगों को रियलाइज हो जाए, कुछ लोगों को एहसास हो जाए कि संविधान ही वो सबसे पहला किताब है, वो सबसे पहला बुक है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। यहाँ अमित मिश्रा ने एक बार भी इरफान पठान का नाम नहीं लिया है, उनको मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं कि अमित मिश्रा का प्रहार सीधा सीधा उन पे ही है। इसके बाद अभी तक इरफान पठान का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। तो आपका क्या कहना है, किसकी बात सही है, इरफान पठान की या अमित मिश्रा की, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक था। आपको सब्सक्राइब वाला लाल बटन दिख रहा होगा उसको प्लीज एक बार प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।